अजमेर लेखक मंच और साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में 23 और 24 नवंबर को होने जा रही है राष्ट्रीय संगोष्ठी की जानकारी देते हुए लेखिका मंच की संयोजिका मधु खंडेलवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि लिटरेचर फेस्टिवल की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में 2 दिन विभिन्न सत्रों में चर्चा और विभिन्न विधाओं पर कार्यशाला भी रखी जाएगी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिलाओं के सर्वोच्च स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित और भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड सहित लिम्का बुक ऑफ अवार्ड में शामिल तिहाड़ जेल के लिए तिनका तिनका जैसे अनूठी पुस्तक रचयिता स्थापित जेल सुधारक और अन्य कई अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर वर्तिका नंदा दिल्ली से कार्यक्रम में शामिल होंगी। अजमेर लेखिका लिटरेचर फेस्टिवल कार्यक्रम में अजमेर शहर के सभी स्थानीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 2 दिन का लिटरेचर फेस्टिवल करने जा रही है और एक राष्ट्रीय संगोष्ठी भी। इस लिटरेचर फेस्टिवल में 2 दिन हमारे 4 सत्र रहेंगे। हमारे यहाँ बाहर से बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, साहित्यकार वर्तिका नंदा जो दिल्ली से आ रही हैं, जिन्हें स्त्री शक्ति पुरस्कार भी मिला है, वो हमारी चीफ गेस्ट रहेंगी। स्थानीय देवल साहब भी हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत भीलवाड़ा से, जयपुर से, फालना से, इटावा से बहुत सारी हमारे साहित्यकार भी आ रहे हैं। हमारे पहले दिन के शनिवार के 2 सत्र रहेंगे। पहले सत्र में जो हमारा कार्यक्रम रहेगा वह रहेगा हमारे अजमेर लेखिका मंच की सभी महिलाओं के एंथम का, पुस्तक के विमोचन का, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन का और हमारी खुद की गीत का। इसके अलावा इस उद्घाटन सत्र के बाद जो पहला पैनल डिस्कशन रहेगा वह रहेगा महिलाओं की साहित्य में भूमिका और चुनौतियाँ। इस विषय पर हम लोग पैनल डिस्कशन में चर्चा करेंगे और इसके बाद दूसरा जो सत्र रहेगा उसमें जितने भी हमारे स्थानीय पत्रकार हैं और हमारे जितने भी स्थानीय साहित्यकार हैं वो सब लोग चर्चा में रहेंगे। मेरा इस माध्यम से ये कहना है साहित्य को आगे बढ़ाने में, साहित्य को समृद्ध करने में, साहित्य को आगे ले जाने में अजमेर लेखिका मंच तत्पर है और आगे बढ़ाती रहेगी। 26 तारीख को भी हमारा सेशन रहेगा। सुबह उद्घाटन सत्र के बाद हमारा जो सत्र रहेगा वो स्कूल के बच्चों के लिए भी हमने एक सेशन रखा है। सारे स्थानीय जितने भी हमारे साहित्यकार हैं वो स्कूल के बच्चों को ये बताएंगे कि वो अपनी अपनी विधा में किस तरह पारंगत हो सकते हैं, चाहे गजल लिखना, चाहे गीत लिखना, चाहे कविता कहानियां लिखना। सेकेंड सत्र में पेपर प्रेजेंटेशन रहेगा। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे, पीएचडी होल्डर्स, शोधार्थी, और उसके बाद समापन सत्र रहेगा। हमारी चीफ गेस्ट वर्तिका नंदा रहेंगी। मैं स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।